और भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार है। भोपाल में पिछले एक साल में 48 मदरसों को चिन्हित किया गया है। सरकारी अनुदान लेकर एक एक कमरे में मदरसे संचालित हो रहे थे। निरीक्षण में अनुपयोगी पाए जाने पर मदरसों को दोबारा ग्रांट नहीं दिया गया और अब 52 मदरसों को बंद करने की तैयारी में सरकार है। भोपाल में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 468 है। निरीक्षण में भी कई मदरसों में व्यापक गड़बड़ी सामने आई थी। भोपाल में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की संख्या 468, लेकिन अब मदरसों पर, फर्जी मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी में सरकार है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी से। अमृतांशी, सरकार अब शिकंजा कसे की फर्जी मदरसों पर, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ गड़बड़ी हाथ लग पाई अब तक जांच? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो मदरसों को लेकर सियासत खड़ी हो रही है, इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये है फिलहाल कि जो 48 मदरसे हैं उन पर शिकंजा जो है सरकार ने कसा है। बालायोग की जांच में जो है अव्यापक ही पाए गए थे मदरसे और इनको बंद करने की तैयारी में पूरी तरीके से सरकार है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 52 ऐसे और मदरसे हैं जहाँ पर जो है अनुपयोगी काम चल रहे थे और सिर्फ सरकार से अनुदान राशि लेने के तहत जो है वो मदरसे चला रहे थे, हालांकि वहाँ पर बच्चों को कोई सही शिक्षा नहीं दी जा रही थी। और इसी कड़ी में इन मदरसों को चिन्हित कर सरकार जो है पूरी तरीके से बैन करने की तैयारी में। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि सियासत इस पर दोबारा तेज हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है इस पर सवाल उठाती नजर आ रही है। हालांकि जो चिन्हित मदरसे हैं, ऐसे कई और मदरसे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं कि 400 से भी ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो कि राजधानी भोपाल में संचालित हो रहे हैं, लेकिन जो मदरसे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जहां पर अनुपयोगी काम हो रहे हैं, उनको बंद करने की तैयारी में और शिकंजा कसने की तैयारी में अब पूरी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार रहेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया अमृतांशी खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।